इस वेले आप पठानकोट के पठानकोट कैंट स्टेशन के बाहर खड़े हैं। तुम दस दिए कि रेल विभाग वालों एक ऑक्शन की गई थी जिसे एक रेल कोच रेस्टोरेंट नाम का जरा कोई जो रेस्टोरेंट बनाने वास्ते जो टेंडर किया गया था तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट है बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। तुम दस दिए कि काफ़ी लंबे समय तो यह काम इतने चलता पाया पर हूँ जोड़ा है ये जरा काम जो शुरू कर दिया गया है। और जो गल की जाए ढांचे की देख रहा ढांचा है बहुत वधिया तरीके जिदा कोच ही इतने पूरा रखा हुआ है और कोच के अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर के माहौल किस तरह का है और देखते हैं अंदर दस्वीर। इस वे आप बोगी के अंदर जाने की जी कोशिश कर रहे हैं तो तस्वीर दिखा रहे हैं थोड़ा अंदर दियाँ कि बोगी हैगी है ये बिल्कुल तैयार की गई है बड़े वधिया तरीके तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल जो काउंटर हैगा काउंटर के उपर जीडिया पर्चिया जो रसीदा जी कटिया जाने जो लोगों ने जो भी खाना होंगे तो ऑर्डर किया जाता है। पिछली साइड से देख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने जो किचन बनाया गया किचन के बीच जोड़े है और शेफ जोड़े है वो खाना तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़ा वधिया तरीके जीडिया खाना बनाया जा रहा है। दूजे पास तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बिल्कुल कोच जोड़ा है और ये 55 सीटा जीडिया दसिया जा रही ने जिद अपनी फैमिली आके इतने अपना भोजन कर सकते हैं। बिल्कुल टैन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल वधिया तरीके सजावट के राही दो इतने एसी लगे हुए हैं पखे लगे हुए हैं और हर सीट के लागे जोड़े आ वो चार्जिंग पॉइंट भी दिते हुए हैं कि जोड़े यात्री दूर दूर तो आते हैं अपना फोन भी इतने चार्ज कर सकते हैं। और वक् वक् तरीके के व्यंजन शुद्ध शाकाहारी जोड़ा आ समान इतने जो मिलता है आओ देखते हैं गलबात करते हैं इतों के जोड़े मालिक ने जिन्होंने रेस्टोरेंट शुरू किया जोड़े यात्री दूर दूर तक आए हैं उन्होंने गलबात करा तो जानेंगे कि किस तरह का स्वाद उन्होंने इतों के खाने का लग्या तो की प्रक्रिया रही है बनाने की उतों के मालिक के नाल गल करा। क्या नाम है? मेरा नाम सुप्रिया है और मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रही हूँ। सो हमारा प्लान था आज इस रेस्टोरेंट में आए हो। हाँ जी, कैसा लगा? कैसा फील? कैसा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन आई मीन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट व्हेन अ स्टेशन ट्रेन कंपार्टमेंट वी कैन ईट हियर एंड जस्ट स्पेंड सम टाइम क्वालिटी टाइम टुगेदर विद आवर फैमिली। सो इट्स रियली अमेजिंग। ट्रैवल तो आपने पहले भी कभी किए होंगे, कई ट्रैवल किए होंगे, तो उन ट्रैवल में इस खड़ी ट्रेन में खाने का जायके में क्या आपको लग रहा है, क्या अंतर हो सकता है? अभी तो मैंने वैसे फूड ऑर्डर किया है तो जायके का फीडबैक तो मैं आपको खाने के बाद दूंगी। रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं वी शेल आउट अ लॉट ऑफ मनी सो रादर देन डूइंग दैट लेट्स एनकरेज दिस देसी कॉन्सेप्ट। सो यही मैसेज देना चाहूंगी मैं। सर कैसा लगा आप? मेरा नाम डॉक्टर सव्यसाची है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरी फैमिली गुड़गांव में रहती है, मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लखनऊ में है, वहाँ पे मैंने खाया हुआ है। बहुत बढ़िया फूड होता है, जो भी यहाँ का स्टाफ है बहुत बढ़िया होता है, जो एम्बियंस है वो बहुत बढ़िया है, मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स एट पार विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स and this is actually a very nice concept by Indian Railways. Doctor, जो लोग हमारे नौजवान जो है जहाँ अपना देखिए मैं बिहार से आता हूँ, बिहार से बहुत सारे लोग पंजाब आते हैं, है ना, तो काम हर जगह होता है, बस थोड़ा सा आस पास देखने की जरूरत है कि हम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं भी लखनऊ में रहता हूँ, बिहार छोड़ करके बाहर रहता हूँ, तो मुझे ये देखने की जरूरत है कि क्या मैं अपने यहाँ रह करके और वहाँ पे कुछ इस तरह का कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जो मैं बाहर कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स अपना देश होता है, है ना, तो हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लिए अच्छा सोचें, लेकिन जहाँ से जा रहे हैं वहाँ के लिए ज्यादा अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए हम पूरी कंट्री का अच्छा काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं। रेलवे कोच रेस्टोरेंट भी रेलवे ने एक ऑप्शन कढ़ी सी जिस दे विच असीं टेंडर भरिया सी, मेरे दोस्त ने किसी ने, तो उस दे विच साडा टेंडर पास हो गया, तो उस दे बाद एक कोच मिल गया सानू, इसमें काफ़ी मुश्किल आईया सानू इत्थे तक पहुँचाने वास्ते, वधिया असीं तैयार किया है, खर्चा साडा जरूरत तो सोच तो ज़्यादा हो गया। किन्ना क लगदा? किन्ना खर्चा? 40+ चले गया और हाले 10% तो ज़्यादा कम बाकी है करने वाला भी। कल असी इसकी ओपनिंग की है और कल शाम थोड़ी इसकी रोटी वगैरह की सप्लाई भी दी है और वधिया रिस्पोंस मिले सानू।
इस दे विच काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पिया, लेकिन असी बड़ी मेहनत नाल बड़ा अच्छा कोच तैयार किया। एसी कोच है, इस दे विच बैठ के पैसेंजर नूं रेल की ही फीलिंग मिलेगी। इस दे विच चेन पोल सिस्टम जिस तरह है उस तरह ही रखे, हर सेटिंग पॉइंट ते असी चार्जिंग पॉइंट दिते हुए है, एसी लगाते हुए है, फैन वगैरह काफ़ी अच्छा वधिया सारा सिस्टम नाल तैयार किया। ये असी खाली वेज का ही खा रख्या है सारा, क्योंकि साड़ा टूरिस्ट जिहड़ा वैष्णो ने देवियां का टूरिस्ट है हिमाचल का, तो वेज तो ही चॉइस करते हैं, नॉन वेज की जगह तो बैठते नहीं है, इस करके असं इस वेज से ही चलावे और बहुत वधिया चलावे। रेट साढ़े लगभग सिटी तो और ढाबे तो भी घट हो लगभग, वधिया रेट होंगे और वधिया खाना मिलेगा, वधिया सस्ते रेट होंगे और वधिया रोटी पानी खाना ही है या फास्ट फूड वगैरह भी लगता है? फास्ट फूड भी होएगा जी इस दे विच, लेकिन हाले असी एक दिन तैयार नहीं कर पाए, कुछ मुश्किल आ रही सानू थोड़िया जी, टिकट वगैरह असल घट है साढ़े कोल। इस ट्रेन नूं चलाउण वाले जिहड़े मेन कप्तान ने किन्ने ने, तुसीं किन्ने कप्तान? असीं तीन कप्तान हैं जी, चला रहे हैं, वधिया चलावांगे। की अपील करना चाहुंदे हो लोकां? लोगों का वधिया रिस्पोंस मिल रहा है सानू, सैल्फियां का दौर ज़्यादा चल रहा है इस वेले और गाहक साढ़े कोल वधिया आ रहा। जिन्हां नौजवानों कारोबार नहीं लभदे हैगे, कई लोग कहिंदे आ वी असीं सानू कारोबार नहीं लभदा हैगा, उन्हां नूं की सुझाव देना चाहोगे जिहड़े अपना पंजाब छड्ड छड्ड के बाहर भज्जदे? कारोबार हर किसी नूं मिल जांदा जी, कारोबार करना चाहण वाला होना चाहिए जी, मैं तो देखा पंजाब वाले कारोबार करना ही नहीं चाहते, इन्हां दी सोच है कि बाहर ही जाना है, काम की कोई कमी नहीं होती कितने भी, मन लगा के करना हो। तारू शाह ज्वेलर्स, एक मात्र दुकान जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी यहां पर मिलेगी, पिछले 45 सालों से बना हुआ है लोगों का विश्वास, 100% शुद्धता के साथ पाएं हर प्रकार के गहने। तारू शाह ज्वेलर्स, कठुई बाजार सुजानपुर, नीचे दिए हुए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।